सड़क योजना के तहत महासमुंद जिले में बनाई गई 4 दर्जन से ज्यादा सड़क प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और डामर उखड़ गया है, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ग्रामीण सड़कों की खस्ता हालत की शिकायत उच्च अधिकारियों को कर रहे हैं, वहीं आला अधिकारी शासन स्तर का मामला बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे हैं। रोड बहुत ज्यादा खराब हो गया सर। खट्टी से जो जीवतरा मार्ग है ना, उसमें संतोष अग्रवाल नामक के ठेकेदार नहा ठेकेदार द्वारा ओवरलोडिंग हाईवा चला के ना खराब कर दिया सर बुरी तरह से। कितने साल पहले ये रोड बनी थी और अभी क्या स्थिति है? सर ये 2011-12 में बनी है सर, उसके बाद पूरा खराब हो गया। रोड खराब में बच्चा लोग यहाँ से पढ़ने जाता है खट्टी, वहाँ आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। हाँ अभी रोड की क्या स्थिति है आप लोगों की? रोड बिल्कुल घटिया है, ऊपर अपर डीपर है, कोई कोई जगह खसका डबरा ऐसे ऐसे है। जो खट्टी रोड जाते हैं ना उसमें बहुत तकलीफ है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना वस्तुतः 2011-12 से प्रारंभ हुआ था और महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुल 68 सड़कें स्वीकृत हुई हैं और उनकी लंबाई लगभग 227 किलोमीटर है। उन 68 सड़कों में से 53 सड़कें हमने पूरी कर ली हैं और 2 सड़कें हमारी विभिन्न कारणों से, स्थानीय कारणों से निरस्त हो गई हैं। इंदौर के शुभम पैलेस को